हम जानते हैं कि रेनो की प्रसिद्ध एमपीवी ट्राइबर अगस्त 2019 में भारतीय कार बाजार में लॉन्च की गई थी। तब यह कार BS4 वर्जन के साथ आती थी, जबकि 2020 के शुरुआत में इसका BS6 वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया। आप जानते हैं ट्राइबर का इंजन 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है। और इसके माइलेज की बात करें तो ये अमती लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने 20 KMPL का माइलेज क्लेम किया था, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये गाड़ी माइलेज देगी ऐसा कंपनी क्लेम कर रही थी। लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा ट्राइबर की माइलेज को लेकर के दो बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि एक माइलेज में फ़र्क तब उत्पन्न हो गया जब इसका BS6 वर्जन भारतीय बाज़ार में आया, और फिर इसका दूसरे समय और माइलेज में जो चेंजेज आए वो आए थे इसका ऑटोमेटिक वर्जन भारतीय कार बाज़ार में आया। आप जानते हैं यह 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ मिलती है। हालांकि इसका बेस मॉडल RXE ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में उसमें ऑटोमेटिक वर्जन आपको नहीं मिलता है। तो नए एमिशन नॉर्म्स में अपग्रेड किए जाने के बाद जो BS6 ट्राइबर का माइलेज पुराने जो BS4 की तुलना में थोड़ा कम हो गया है, जैसे कि आमतौर पर ऐसा अन्य कारों में भी होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ड्राइवर का ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो वो अब 19 KMPL 19 का है, जो कि पहले BS4 के साथ 20 का था, जो 1 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से कम हुआ है और 19 KMPL का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। वहीं यदि नए AMT वेरिएंट्स की बात करें, यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करें, उसमें भी क्योंकि ऑटोमेटिक जो वेरिएंट होता है उसमें माइलेज मैनुअल से थोड़ा कम होता है, तो यहाँ ट्राइबर के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट्स का जो ARAI सर्टिफाइड माइलेज है वो 18.29 KMPL है, 18.2, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज यहाँ भी आपको कम है। यानी आप यदि मैनुअल ले रहे हैं तो आपको 19 का माइलेज मिलेगा, यदि आप AMT ले रहे हैं तो आपको 18.2 का माइलेज मिलेगा। हो सकता है गाड़ी चलाने के तरीके के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। आप जानते हैं ये ट्राइबर की डिटेल थी माइलेज को लेकर के, लेकिन वास्तव में जो इस सेगमेंट के अन्य कारें हैं वो उनके अनुसार ट्राइबर कहाँ बैठती है इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं हम जल्दी जल्दी। हम यहाँ मान लीजिए ट्राइबर के साथ गो प्लस, ग्रैंड i10 नियो, स्विफ्ट और फीगो की कारों को लेकर के बात करें तो ट्राइबर का 1.0 लीटर आता है इंजन, जो कि 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड होता है हम जानते हैं। और गो प्लस की सबसे पहले बात करें तो यहाँ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, हालांकि यह भी टर्बोचार्ज नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड ही है। लेकिन माइलेज की बात करें तो यहाँ आपको लगभग सेम ट्राइबर का माइलेज 19 KMPL का है, जबकि गो प्लस का माइलेज 19.02 यानी कि 02 यानी कि लगभग 19 KMPL का माइलेज इसमें मान सकते हैं। लेकिन इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है, इन दोनों कारों के ऑटोमेटिक वर्जन आते हैं, ट्राइबर का जैसा कि हमने चर्चा की ट्राइबर का ऑटोमेटिक वर्जन है वो 18.29 KMPL का माइलेज देता है, जबकि गो प्लस का ऑटोमेटिक वर्जन 18.57 KMPL का माइलेज देता है। यानी कि जो माइलेज का फ़र्क है थोड़ा बहुत, गो प्लस यहाँ 21 है माइलेज में, लेकिन उसका इंजन भी 1.2 लीटर का है, ये हमें ध्यान रखना होगा, जबकि ट्राइबर का 1.0 लीटर इंजन है। लेकिन अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध कार ग्रैंड i10 नियोस की। तो ग्रैंड i10 नियोस में भी 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस सेगमेंट की जितनी भी कारें हैं उनमें 1.2 लीटर का इंजन ही मिलता है, लेकिन ट्राइबर ने रेनो ने एक रिस्क उठाई और इस सेगमेंट में 1.0 लीटर इंजन के साथ 7-सीटर कार को उतार दिया, और यह रिस्क उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है और ट्राइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिक रही है। खैर, ग्रैंड i10 नियोस का 1.2 लीटर जो इंजन है वो 4 सिलेंडर वाला है, जबकि गो प्लस और ट्राइबर में 3 सिलेंडर इंजन है, ये भी नेचुरली एस्पिरेटेड है। लेकिन इसका माइलेज की बात करें मैनुअल के वर्जन की तो ग्रैंड i10 नियोस 20.7 KMPL का माइलेज क्लेम करती है, जबकि ड्राइवर का हम जानते हैं 19 KMPL। यहाँ 1.7 KMPL का काफ़ी बड़ा फर्क है ग्रैंड i10 नियोस पर, हालांकि ये 5-सीटर कार हैं जबकि ड्राइवर 7-सीटर कार है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। यदि इसके AMT वर्जन के माइलेज की बात करें तो ग्रैंड i10 नियोस का AMT वर्जन 20.5 KMPL का माइलेज क्लेम करता है, जबकि ट्राइबर का हम जानते हैं 18.29 KMPL का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। यानी कि यहाँ भी काफ़ी फ़र्क है, यहाँ ग्रैंड i10 नियोस ट्राइबर की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा माइलेज दे रही है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी माइलेज दे रही है, हालांकि गो प्लस से ग्रैंड i10 नियोस का माइलेज ज़्यादा है।
अब बात करते हैं स्विफ्ट की, सबको पसंद आने वाली और सबकी चहेती स्विफ्ट। इसमें भी 1.2 लीटर का इंजन आता है जो कि 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड है। लेकिन यहाँ माइलेज के मामले में ये सबसे तेज पड़ती है। इसका जो एमटी वर्जन यानी कि मैनुअल वर्जन है वो 21.21 के एमपीएल का शानदार माइलेज देता है, जबकि ड्राइवर की बात करें तो वो 19 के एमपीएल का माइलेज, यानी कि यहाँ सीधा सीधा 2 के एमपीएल का फ़र्क है, 2 से भी ज़्यादा 2.21 के एमपीएल का फ़र्क है स्विफ्ट और ड्राइवर के माइलेज में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न होती है वो होती है इसकी कैपेसिटी को लेकर के, क्योंकि स्विफ्ट है 5 सीटर जबकि ड्राइवर है 7 सीटर, काफ़ी दिखने में बड़ी है और इसका लुक भी शानदार है। हालांकि स्विफ्ट भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बाजार में स्विफ्ट का नाम है। इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है स्विफ्ट में, ये सबसे बड़ी बात है कि स्विफ्ट के दोनों वर्जन, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो, उनमें माइलेज को लेकर के कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही इंजन आपको 21.21 के एमपीएल का माइलेज देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 3 के एमपीएल का फ़र्क है ऑटोमेटिक वर्जन में, क्योंकि ड्राइवर केवल 18.29 के एमपीएल का माइलेज देती है। यहाँ इतना जो फ़र्क है, इस सब के पीछे जो मुख्य कारण है वो इसका 1.0 लीटर का इंजन होना, जबकि इन सब में दूसरी गाड़ी में 1.2 लीटर का इंजन है। हालांकि इस सेगमेंट में प्राइस के हिसाब से लगभग इसी सेगमेंट में ड्राइवर बैठती है, इसलिए इन गाड़ियों के साथ चर्चा की है। फीगो की बात करें तो इसका ऑटोमेटिक वर्जन आता नहीं है, लेकिन इसका मैनुअल वर्जन है वह ड्राइवर से भी कम माइलेज देता है। इसमें भी 1.2 लीटर का इंजन आता है जो 3 सिलेंडर है, लेकिन इसका माइलेज 18.5 के एमपीएल है, यानी कि यहाँ आपको ड्राइवर से भी कम माइलेज मिलेगा। तो ये जो हमने आंकड़े बताए हैं इनके पीछे उद्देश्य ये है कि भाई आप जान सकें कि ये जो कारें हैं आपके बजट रेंज की उसमें कितना बहुत ज़्यादा फ़र्क है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ड्राइवर में 7 लोगों को आराम से बिठाया जा सकता है, 7 सीटर है और बाकी 5 सीटर है, इसलिए ये भी फ़र्क है पड़ सकता है। हालांकि इन कारों के जो टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट आते हैं उनको हमने इस तुलना से बाहर रखा है, क्योंकि अभी ड्राइवर का टर्बोचार्ज इंजन नहीं आया है। लेकिन इनको लेकर के, टर्बोचार्ज इंजन को लेकर के न्यूज़ जो बाहर आ रही है उस पर अगला वीडियो बन रहा है, तो आशा है वो भी आपको पसंद आएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्राइस की बात करें तो ड्राइवर की आप जानते हैं 4,99,000 से यानी कि 5 लाख से 7,22,000 तक इनकी प्राइस जाती है, जबकि गो प्लस की 4,20,000 से 6,90,000 रुपये तक जाती है, यानी कि ड्राइवर से गो प्लस थोड़ी बहुत सस्ती आप मान सकते हैं। ग्रैंड i10 की बात करें तो 5,07,000 से 7,70,000 तक बैठती है, जबकि स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट आपको 5,20,000 से 7,99,000 यानी कि 8,00,000 तक मिल सकती है। फीगो की बात करें तो फीगो भी काफ़ी महंगी गाड़ी है ड्राइवर की तुलना में, क्योंकि यहाँ भी आपको 5,40,000 में इसका बेस्ट वेरिएंट मिलेगा, लेकिन 7,00,000 तक आपको इसका टॉप वेरिएंट भी मिल जाएगा। ये सब जो प्राइस है ये सब हमने आपको एक्स शोरूम कीमत बताई है, इसमें अनेक चार्जेज और भी जुड़ते हैं। तो आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ड्राइवर के माइलेज को लेकर के जो कन्फ्यूजन था कि कंपनी वास्तव में कौन सा माइलेज क्लेम कर रही है, 20 का है, 19 का है, 18.29 का है, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका जो BS4 वर्जन था उसका माइलेज 20 के एमपीएल का था, इसका जो BS6 वर्जन आया उसका माइलेज 19 के एमपीएल यानी 1 के एमपीएल कम हो गया, और इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन आया उसमें और माइलेज कम होते हुए 18.29 के एमपीएल तक का हो गया। वास्तव में ड्राइवर कितना माइलेज दे रहे हैं, यदि आप ड्राइवर के मालिक हैं या स्विफ्ट के मालिक हैं और वो कितना माइलेज दे रहे हैं, कंपनी जो क्लेम करती है उससे आमतौर पर माइलेज कार कम ही देती है, क्योंकि वो एक आइडियल परिस्थिति होती है, कंडीशन होती है, उसके अनुसार क्लेम किया जाता है। और हमारे यहाँ पर वस्तु स्थिति जो होती है, वास्तविकताएँ होती है, वो कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। तो जो माइलेज वास्तव में कितना दिया जा रहा है ये आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वीडियो देखने वाले यूज़र्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।